कुछ लोग तो कह रहे हैं ये हर वीडियो में रोती है, इसे ना प्यार मोहब्बत हो गया था, इसको धोखा मिला, इस वजह से ये रो रो कर वीडियो बनाती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये रातों रात वायरल हो गई है। क्या रातों रात वायरल हो गई है? अरे भैया, रातों रात कुछ नहीं होता, इसके पीछे का मेहनत तो देखो। सही कहा गया है भैया, हमारा काम है कर्म करना, फल देने वाले तो ऊपर वाले हैं, भगवान हैं। हमारा काम है बस कर्म करना, कर्म करते जाओ, फल देने वाले तो भगवान होते हैं। कौन कहता है कि मेहनत का फल नहीं मिलता है? मिलता है, हर किसी को मेहनत का फल मिलता है। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को लेट से मिलता है, बट मिलता हर किसी को है। जो जिस लायक कर्म करता है, जो जितना मेहनत करता है, उसको उस लायक उस मेहनत का फल मिलता है। इसे जानते हो? इसका नाम है रंजीता। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इसे नहीं जानता होगा। हर जगह इसका ही वीडियो आ रहा है, हर जगह यही दिख रही है। आप इंस्टा पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, चाहे जहां भी जाओ, केवल यही दिख रही है। पूरे तरह से हिट हो गई है, वायरल हो गई है। इसका केवल एक ही रीजन है, एक ही कारण है, इसका मेहनत, इसका कर्म। ये लगातार पूरे 8 साल से वीडियो बना रही है। कितने? पूरे 8 साल से। 8 साल छोटा नहीं होता, छोटा दिन नहीं होता, थोड़ा नहीं होता, बहुत लंबा है। 8 साल में युग बदल जाते हैं, मतलब कि कितने लोग चेंज हो जाते हैं, ज़माना बदल जाता है, लेकिन ये पूरे 8 साल से वीडियो बना रही है। तो आज इसको ना 8 साल का फल मिल गया, 8 साल का फल इसको मिल गया और ये आज हिट हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये रातों रात वायरल हो गई है। क्या रातों रात वायरल हो गई है? अरे भैया, रातों रात कुछ नहीं होता, इसके पीछे का मेहनत तो देखो। आप कितना दिन वीडियो बनाते हैं? खूब खिसा के 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, उसके बाद छोड़ देते हैं तो आपका घंटा होगा? कुछ नहीं होगा। ये 8 साल से वीडियो बना रही थी, 8 साल का फल इसे मिला है। रातों रात कुछ नहीं होता है भाई साहब, अगर ये वीडियो नहीं बनाती तो आप हिट कर देते क्या? आपको 1 रात नहीं, 5 रात देंगे, आप हिट कर देंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं, ये इसके मेहनत का फल मिला है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं ये हर वीडियो में रोती है, इसे ना प्यार मोहब्बत हो गया था, इसको धोखा मिला है, इस वजह से ये रो रो कर वीडियो बनाती है। अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं है। ये रोती है किस वजह से? अपने गरीबी को लेकर, अपने किस्मत को लेकर। हमारे पास रहने के लिए अच्छा घर है, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा है, खाने के लिए रंग बिरंग की चीज़ है, लेकिन ना इसको इस सब, मतलब इस सारे चीज़ का दिक्कत था, परेशानी था, इसीलिए ये रोती थी अपने किस्मत पे, अपनी गरीबी पे रोती थी। इसको गरीबी था, ये अपने गरीबी पे रोती थी और रो के वीडियो बनाती थी। आज इसका गरीबी काम आया है, रोने के वजह से ही हिट हुई है। अगर ये गरीब नहीं होती, रोती नहीं, रो के वीडियो नहीं बनाती, तो हिट नहीं होती। इसके मेहनत, ये अपने गरीबी और जोश जुनून के वजह से हिट हुई है। रातों रात कुछ नहीं होता। चाहे आप जिस भी फील्ड में हो, अगर आपके अंदर जोश है, जुनून है, नशा है, जिद है, तो आप अपने एम को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करें। लोग क्या कहते हैं उसका परवाह मत करें। अगर लोगों के बात पे जाएंगे ना, तो आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। लोगों का काम है हंसना। अगर आप लोगों से हट के काम करते हैं ना, कुछ अलग करते हैं, कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं ना, तो लोग आपको हंसेंगे, आपके बारे में उल्टा सीधा बात करेंगे, गांव, टोला, मोहल्ला ही दोस्त तरह तरह के बात करेंगे, हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। यहाँ तक का आपका रिश्तेदार जो भी होगा ना, वो भी हंसेगा, वो भी मजाक उड़ाएगा। आपके मुंह पे कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आपके पीठ के पीछे ज़रूर बोलेगा। अगर आपको ना गुस्सा आता है, तो आप ना उसको बोल कर जवाब मत दे, बोल कर जवाब नहीं देना। जिस भी फील्ड में है ना, आपको जिस काम के लिए हंसा जा रहा है, जिस काम के लिए मजाक उड़ाया जा रहा है, उसको पूरा करके दिखाए, उसमें सफल होकर दिखाए, ये है अच्छा जवाब। रंजीता थी ना, रंजीता का मेहनत ही काम आया है। उसको भी लोग बहुत हंसता था, बहुत तरह के बात बोलते थे, लड़की ख़राब हो गई, बिगड़ गई, ऐसी वैसी, मतलब तरह तरह के बात कहे जाते थे, बोले जाते हैं। लेकिन उस सबको ना साइड में रख के आज ये लगातार मेहनत की, तो आज इसका फल मिला कि नहीं मिला? 8 साल हम लोग कितना मेहनत करते हैं, मतलब 6 महीना, 1 साल करके छोड़ देते हैं तो कहाँ से होगा? कोई भी चीज़ समय मांगता है, जितना बड़ा सपना उतना ज़्यादा मेहनत और उतना ही ज़्यादा समय, तब जाके कुछ होता है। पेड़ समझ लीजिए, कोई पौधा लगा रहे हैं, उसको धीरे 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 पानी डालते, ख्याल रखते, तो धीरे धीरे बरका होता है। उतना टाइम लगता है, बहुत लंबा टाइम लगता है, तो किसी भी चीज़ में टाइम लगता है, तो आप उसका चिंता मत करें। इसका ना 2 दिन पहले हम देखे थे 17,000 सब्सक्राइबर था यूट्यूब का, आज है
70,000 आप देख सकते हैं 70,000 हो गया है, अभी और भी ज़्यादा शायद हो गया होगा, अभी थोड़े दिन पहले हम स्क्रीनशॉट लिए थे। 70,000 किसका फल है? मेहनत का फल है। तो लोग क्या कहते हैं इस पे ध्यान मत दे, अगर लोगों को जवाब देना है ना तो आप कुछ करके दिखाएं, जिस भी फील्ड में है उसमें सफल होकर दिखाएं। बस हम इतना ही कहेंगे कि आप जिस भी फील्ड में है लगातार मेहनत करें, बस एक बात याद रखना भाई, हार नहीं मानना है। जिस तरह चींटी कभी हार नहीं मानती है, उसी तरह हमें भी कभी हार नहीं मानना है। भगवान राम को भी वनवास हुआ था, 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उनके ऊपर भी तरह तरह के बातें हो रही थी, माता सीता के ऊपर भी बातें हो रही थी, वो भगवान थे, हम तो इंसान हैं। लोगों का काम है हंसना, हमारा जो एम है उसमें लगातार मेहनत करें, उसमें मेहनत करें ना लगातार, एकदम जमकर मेहनत करें, फल मिलता है लेट से ही, लेकिन हर मेहनत का फल मिलता है, मेहनत कभी बेकार नहीं होता है। अरे हम इतना फेंक रहे हैं, मेरा भी कुछ नहीं हुआ है आज तक, हम भी मेहनत ही करते हैं, उम्मीद है, उम्मीद पे तो भाई दुनिया कायम है, तो हम भी उम्मीद पे कायम है भाई, हम भी कर ही रहे हैं, देखते आगे क्या होता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद जय भारत।